हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको जो लिप बाम आता है, जो हमारे होठों में लगाया जाता है ठंडियों में, उसका बनाने का फॉर्मूला बताएंगे। 1 किलो का ये हमारा फॉर्मूला है। इसके लिए जो हमारा सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल आपको लेना है 300 ml, 1 किलो का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसके बाद आपको लेना है ग्लिसरीन, जो कि आपको लेना है 100 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है इमल्सिफाइंग वैक्स, इसका स्पेलिंग मैं आपको लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे। इमल्सिफाइंग वैक्स जो है वो आपको लेना है 400 ग्राम। इसके बाद आपको लेना है पैराफिन, पैराफिन आपको लेना है 200 ग्राम। फिर आपको लेना है टी ट्री ऑयल, जो कि आपको लेना है 5 ml। इसका जो बनाने का स्टेप है, आपको ये लिप बाम 1 किलो जो बनाएंगे आप, इसका जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप जो है डबल बॉयलर की इसको ले लीजिए। इसके लिए आप चूल्हा में जो है एक बर्तन को रखेंगे, बर्तन में पानी भरेंगे, उसके ऊपर दूसरा बर्तन रखेंगे और उसमें आपका जो सारा इंग्रेडिएंट्स है, मिनरल ऑयल 300 ग्राम, 300 ml, ग्लिसरीन 100 ग्राम, इमल्सिफाइंग वैक्स 400 ग्राम, पैराफिन 200 ग्राम और टी ट्री ऑयल 5 ml, ये सब आप डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद चूल्हे में जो आपने इसको रखा है, तो इसको गैस को आप ऑन करेंगे। आपका जो है ये जब चूल्हा जब जलेगा तो इससे जो है ये सारा जो केमिकल है ये मिक्स होगा। आपस में मिक्स होने के बाद में ये जो है पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको चूल्हा को बंद कर दीजिए, गैस को, और आप इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसको, ये आपका प्रोडक्ट जो है लिप बाम रेडी हो जाएगा। आप इसको पैकिंग करके सेल भी कर सकते हैं या पैकिंग करके अपने घर में यूज़ करने के लिए भी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बारे में आपको और कुछ जानना है या आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए या आपको कोई प्रोडक्ट अपना जो सेल करना है या प्रोसेस परचेस करना है या फिर आपको कोई भी इस बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। वो ग्रुप का लिंक जो है मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन डालेंगे, कोई भी रिक्वायरमेंट डालेंगे, आपका क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मिलेगा। रिक्वायरमेंट आप अगर डालेंगे तो आपको वो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।